हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ऐसा कि अब हम ना जितने स्कूल हैं मतलब वेस्ट दिल्ली के, उनके मिड टर्म के पेपर्स हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अराउंड, हालांकि मेरे पास तो 40-50 स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन उसमें से जो बढ़िया बढ़िया पेपर्स हैं, कुछ स्कूल्स के जो बच्चे भेजे हैं, ठीक है, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और अगर आप सारे पेपर्स कर ले रहे हो तो आई थिंक मतलब आपको काफ़ी क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, एक प्रॉपर पैटर्न पता चल जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर स्कूल है हंसराज मॉडल स्कूल, इसके मिड टर्म का पेपर है। देखो इसमें ऐसा है कि ये जितनी वीडियो जा रही हैं, आप उसको अगर 2-4 बार देख लेते हो तो आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, सिर्फ देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कहते हैं, फिर हम आगे उसके आगे शुरू करेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या है, वही कहानी यहाँ पर कि हाफ फेल एग्जामिनेशन क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसमें 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन है ये। सेक्शन ए के अंदर 18 क्वेश्चंस हैं, हर का पैटर्न लगभग यही रहेगा। अभी सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसमें कोई चेंज ना हो, तो यही पैटर्न है ये, जिसके अंदर सारे क्या 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 4 जो हमारे 2 मार्कर हैं, मतलब इसके अंदर सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्कर्स हैं, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्कर्स हैं, और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्कर हैं। ये भी दिया गया है कि देयर इंटरनल चॉइस जो है वो पेपर में दिया हुआ है, देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। ये आप लोग इसका मतलब पूरा समझते होंगे। तो देखिए इसके बाद दूसरी चीज़, अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एसर्शन रीजनिंग, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, पूछे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बस लगे रहिए, थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है, लगे रहो। देखो अब यहाँ पर क्या भाई, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन कन्वर्टिंग नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा ऐसा है, रोजनमोंड, स्टीफन, HBZ, गेटरमैन। अब बताऊँ आपको, देखो ये स्कूल की सबसे बड़ी गलती है ये, मतलब ये अच्छा खासा स्कूल, ये पहला क्वेश्चन गलत कर रखे हैं ये ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है इनमें से, है बहुत सारे रिएक्शन, इनमें से कोई रिएक्शन नहीं है। रोजनमोंड है, वो SILR को किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड में। स्टीफन नाइट्राइल को चेंज करेगा एल्डिहाइड में। HBZ बनाता है अल्फा H को रिप्लेस करता है किसके, X के साथ, इनप्रेजेंस सबरेट फॉस्फोरस। और यहाँ पर गेटरमैन रिएक्शन भी ये नहीं है। तो ये स्कूल वालों को थोड़ा देखना चाहिए कि प्रूफ रीडिंग तो सही करोगे, ठीक है। तो ये पहला कुछ नहीं, यहाँ को नाइट्राइल टू कार्बोक्सिलिक एसिड हम बनाते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, किससे बनाते हैं कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन नियरली आइडियल इन नेचर। देखो ऐसा है, जिसका नेचर मोर आर लेस सेम होगा, जिनके प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हमारे क्या होंगे, नियरली आइडियल। तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, बेंजीन एंड टॉलवीन। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो भी द रिएक्शन ऑफ टॉलवीन, टॉलवीन क्या होता है, CH3 है, बेंजीन के ऊपर देखो CH3 है, टॉलवीन है, रिएक्शन ऑफ टॉलवीन, रिएक्शन ऑफ टॉलवीन विथ CL2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 जो होगा, इट परफॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कमिंग ग्रुप, मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप जो हमारा आएगा आर्थो पैरा पर आएगा। तो ऑप्शन आप क्या लेके चलोगे, ऑप्शन का अंदर क्या है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिएक्शन ऑफ टॉलवीन विथ CL2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X फाइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो होता है, इट अफेक्ट SP3 कार्बन, तो उसके इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। देखो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर किसके प्रेजेंस में, CL2, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, क्या बन जाएगा ये, ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो क्या बन गया आपका, कंपाउंड Y है ये। और अगर हम यही रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, यहाँ पर CL2 और FeCl3, तो आर्थो पैरा का मिक्सचर फॉर्म होगा, जिसमें से पैरा पोर्शन क्या होगा आपका, मेजर होगा। आर्थो पैरा का क्या फॉर्म होगा, मिक्सचर फॉर्म होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ CU फ्रॉम CuSO4। CuSO4 के अंदर कहाँ पर किसके फॉर्म में, CU के प्लस के फॉर्म में है, CU2+ चेंजेस टू CU बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। ऑप्शन कौन सा इसके अंदर, ये डी है, ठीक है। देखो ये सारे वन वर्ड वन लाइन वाले, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर
बाई हीटिंग विथ कॉन्क H2SO4। तो सबसे पहले क्या बनता है भैया आपका, यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है ये? प्रोटोनेशन, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन। देखो नेक्स्ट, इसके बाद जो है आगे आपका इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जीम। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्जीम कैसे फॉर्म होगा अभी यहाँ पर बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा ऑक्जीम, जो कंपाउंड बनेगा। देखो इस टाइप से ये ऑक्जीम बनेगा, डबल बॉन्ड N और ये क्या हो गया, ये OH। तो कौन सा भाई? हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ बनेगा ऑक्जीम बनेगा। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का हम यूज क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पूछा गया है कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच इज यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। देखो यहाँ पर क्या है, इथाइलिडीन क्लोराइड, ये देखो जिसके ऊपर एक ही कार्बन पर दो एक्स होगा। देखो इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। देखो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद व्हाट वुड बी रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज टू ऑब्टेन 2,3-dimethylpentane-3-ol। देखो बेटे ऐसा पहले कंपाउंड देख लें हम यहाँ पर, 2,4-dimethyl, देखो CH3, ये पेंटेन 3-ol है। देखो यहाँ पर CH3 और ये क्या है, CH3, ध्यान दो बेटे, 2,3-dimethyl। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1,2,3,4, 2,4-dimethylpentane-3-ol। हमें देखो ऐसा, पहली बात इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम यहाँ पे प्रोपेनॉल और प्रोपाइल, ये गलत है, 6 बनेगा केवल, 3-methylbutanol 4 और 2-methylmagnesium bromide, मैग्नीशियम आयोडाइड, ये तो वैसे भी गलत ही है वैसे। देखो यहाँ पर क्या, अब यहाँ से 2-methylpropanone, अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन कंपाउंड, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बनेगा आपका 2-methylpropanol, हम अगर लेते हैं देखो इस टाइप से 2-methyl, यहाँ से हम ब्रेक कर दें, मान लो 2-methyl हमारा 2-methylpropanol हो गया, और हमारा क्या बन जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ऑप्शन कौन सा आ गया, ये डी, देखिए आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड 2-methylpropanol, ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, 2,4-dimethylpentane-3-ol। देखो IUPAC नेम ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, क्या भाई बेंजाइल क्लोराइड, देखो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। देखो अब इसके कौन मैच करेगा, ये आप चेक करो इसके अंदर, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या बनेगा यहाँ पर, क्लोरो, यहाँ देखिए क्लोरो बेंजीन, ये गलत है, यहाँ क्या रखें, क्लोरोफिनाइल मीथेन, और यहाँ पर क्या, ठीक है, भी क्लियर है, क्लोरोफिनाइल मीथेन मीन्स मीथेन के वन पर क्लोरो है, वन पर क्या है, फिनाइल। देखो मीथेन के वन पर क्लोरो है, क्लोरो हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये दिस क्लोरोफिनाइल मीथेन। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर फिच द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछा गया। देखो ऐसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हम दो चीज़ देखते हैं, मेनली देखते हैं स्टेरिक फैक्टर, जिसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा या स्टेरिक प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, उसके अंदर एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें से बेस्ट सूटेड कौन सा है, एस्टियोफिनोन। देखो एस्टियोफिनोन क्या हमारा, दिस एस्टियोफिनोन, यहाँ ध्यान दिए बेटे CH3C डबल बॉन्ड, देखो ये CH3, ये हमारा क्या है, दिस इज एसीटोफिनोन। देखो फिर नेक्स्ट है, इसके बाद एमाइंस एंड एल्कोहल्स बोथ हैव इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। ये पूछा गया कि एमाइन में और एल्कोहल में दोनों में इंटर मालिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, कौन सा करेक्ट है, तो हम भी आके देखेंगे कि एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एमाइन बिकॉज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, एल्कोहल के अंदर जो एच बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, काफ़ी एक्सटेंसिव होगी, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट, इसके बाद रिएक्शन, अभी देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पर क्या फ्लोरो एक्सचेंज हो रहा है, हियर फ्लोरो एक्सचेंज गोइंग टू टेक्स प्लेस, फ्लोरो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर फ्लोरो एक्सचेंज हो रहा है। तो फ्लोरो एक्सचेंज किस में होता है, इट अकर्स इन स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन में क्या होता है, आयोडो एक्सचेंज होता है, ठीक है।
देखो नेक्स्ट आइए यहाँ पर, फिच आर द फॉलोइंग रेजेंट कन्वर्ट वन ब्रोमो प्रोपेन टू प्रोपेन वन आल एक्वस के वे एच, फिच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अब देखो बेटे यहाँ ध्यान से, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन ए बी सी डी चार में से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर एसर्शन सही है और रीजनिंग भी सही है, और अगर रीजनिंग उस एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, देन ऑप्शन इज ए। एसर्शन करेक्ट, रीजनिंग करेक्ट, रीजनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन इज बी। एसर्शन इज करेक्ट, रीजनिंग इज रॉन्ग, ऑप्शन क्या होगा आपको उस केस में, यहाँ पर सी। और अगर एसर्शन फॉल्स है तो ऑप्शन क्या होगा उस केस में, डी होगा। पहला क्वेश्चन क्या भाई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। बेटा गलत है ये, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, बढ़ती है। देखो इस टाइप से तो ऑप्शन कौन सा हो गया। और दूसरी चीज, जैसे ही ऑप्शन पहला गलत हो, बिना सोचे ऑप्शन डी लगा दीजिए एसर्शन रीजनिंग में। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वीक की, देखो ऐसे वैरी करती है, और स्ट्रांग की आपकी ऐसी होती है। सिंपली मोलर कंडक्टिविटी चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों की क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड डजंट अंडरगो एल्डोल रिएक्शन। सही बात है ये, क्यों भाई, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फैच नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड डजंट है अल्फैच, इसका मतलब क्या है, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, एंड रीजनिंग इज गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके अंदर, ए आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आइए इसके बाद, फिर NaCl टू वाटर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। ठीक है बेटे, अगर NaCl को वाटर में ऐड करोगे तो उस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा, और जैसे वेपर प्रेशर घट जाएगा, देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उस केस में, डिप्रेस होगा। ध्यान दो, देखो ये होता है सॉल्वेंट का, देखिए किसका होता है, सॉल्वेंट का, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम ऐड करेंगे क्या होता है, सोल्यूशन का जाता है, यहाँ पर डिप्रेस होता है सिंपली। तो ऑप्शन तो एसर्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर हम NaCl ऐड करते हैं तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, यस होता है, करेक्ट है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉज डिप्रेशन, वेरी गुड। बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग इज करेक्ट, एंड रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन। ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ए। ठीक है आइए नेक्स्ट, देखो बेटे इसमें सिंपल यार, 10 मिनट के अंदर हम 18 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, आपके जो 35 क्वेश्चन होंगे इसमें दो चार क्वेश्चन लंबे भी होंगे, कोई दिक्कत है नहीं, आप पॉइंट टाइम दीजिए अच्छी तरह से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लोअर बॉइलिंग लिक्विड, गलत है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से ज़्यादा होता है, तो पहला गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन इज डी, अगर एसर्शन गलत है तो। आइए नेक्स्ट, अब बड़े सेक्शन ही हमारा कंप्लीट, आई थिंक 5-7 मिनट लगा होगा, सेक्शन ही हो गया कंप्लीट। सेक्शन बी, स्टेट हेनरीज लॉ गिव इट्स वन एप्लीकेशन। हेनरी लॉ क्या भाई, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। हम ये लिखते हैं इसके, देखो पी इक्वल टू क्या होता है, एक होता है के एच इन टू एस, और ये क्या होता है, पी इक्वल टू के एच इन टू का मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, के एच इन टू एक्स एंड मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। देखो पी इक्वल टू ये हमारा हेनरीज लॉ हो गया। अब ये पूछा गया है गिव इट्स वन एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फिर सी डाइवर्स मूविंग डाउनवर्ड प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर क्या था उसके, इसमें इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, ये एप्लीकेशन हो गया। लेकिन जैसे सी डाइवर ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उसके इसमें प्रेशर क्या होगा, घटेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो जो गैस बॉडी के अंदर डिजॉल्व है, दैट गैस ट्राई टू कम आउट थ्रू द बॉडी बाय फॉर्मिंग बबल्स विच क्रिएट ब्लॉकेज एंड ए पेनफुल इफेक्ट इज क्रिएटेड विच इज नोन एज बेंड्स। क्लियर है, ये तो गैस का एप्लीकेशन होगा। आप ये भी कह सकते हो, एट हाई एल्टीट्यूड पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सफरिंग फ्रॉम लो थिंकिंग प्रॉब्लम एंड वीकनेस विच इज नोन एज एनॉक्सिया। ये किसका एप्लीकेशन, दूसरा हो गया अभी, पहला हो गया सी डाइवर का, दूसरा एनॉक्सिया हो गया, और तीसरा हो गया एप्लीकेशन क्या हो गया इसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स, ये नोट्स में सारा लिखवाया गया है। तो आप लिख सकते हो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और तीन एप्लीकेशन। स्टेट राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या है कि अगर मान लो दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट का जो सोल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी ए क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू
का ये देखो यहाँ पर, अब ये कैसे बोला जाएगा यहाँ पर क्या, इट इज़ मीन्स देखो यहाँ क्या पूछा गया है, फाइव इज राउस ला कॉल्ड स्पेशल केस ऑफ फंडेला। देखो यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है, यहाँ मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इन केस ऑफ फंडेला के एच है, यहाँ क्या है प्रेशर है, और पी ए नॉट एंड के एच बोथ वेरीज विथ टेम्परेचर। मीन्स वी कैन शेयर दोनों इक्वेशन आपस में कॉन्साइड कर रही हैं, मीन्स हेनरीज लॉ स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ या रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखो, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ केमिकली डिस्टिंग्विश। देखो यहाँ पर प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, ध्यान दो, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ये सी एल। अब देखो होता क्या है कि जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, अगर प्राइमरी एमाइन है, देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये दिस इज बेंजीन। बेटे एक समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश में 100% पेपर में आएगा, तो आप लोग थोड़ा डिस्टिंग्विश प्रॉपर करिए और डाउट है उसको डिस्कस करिए, शर्माने की बात नहीं है, आप पैसे दे रहे हो कोचिंग के अंदर, इसलिए ठीक है डाउट ही पूछने के लिए। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एस सी एल निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ जो कंपाउंड बनेगा, देखो ये कंपाउंड फॉर्म होने जा रहा है, यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा, ये देखिए इस टाइप से एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो इस टाइप से अगर प्राइमरी एमाइन करेगा रिएक्शन तो बनेगा क्या, यहाँ पर एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसके पास एक एसिडिक एच है तो ये सॉल्युबल इन के ओ एच। लेकिन अगर यही सेकेंडरी एमाइन वो होगा, यहाँ पर देखो हम लिखे हैं, मान लो इस टाइप लिख चल रहे हैं, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल एच एन आर आर के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, ये एच सी एल रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, उसके पास एसिडिक एच नहीं होता है, एंड दैट कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन के ओ एच। सिंपल, प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड ऑब्टेन सॉल्युबल इन के ओ एच। सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड ऑब्टेन इज इनसॉल्युबल इन के ओ एच। अब आइए देखिए यहाँ पर, आउट ऑफ सी एच थ्री बी आर एंड सी एच थ्री आई विच विल बी फास्टर इन एस एन वन। देखो बेटे ऐसा है, ये है सी एच थ्री बी आर, ये सी एच थ्री बी आर है, और ये क्या आपका सी एच थ्री आई। आयोडीन का साइज होता है ना, वो लार्जर होता है, तो ड्यू टू लार्जर साइज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ड्यू टू लार्जर साइज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि कटायन तो दोनों में सेम बन रहा है, सी एच थ्री का मिथाइल का कटायन है। सेकेंड पार्ट का क्या पूछा गया कि एक्सप्लेन ओर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पर, ओर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या हुई, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एंड एराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, ड्राई ईथर, और क्या बनता है, एल्काइल बेंजीन मिलेगा, दिस इज ओर्ज फिटिंग रिएक्शन। अगर दोनों एल्काइल हैलाइड हैं और रिएक्शन, दोनों एराइल हैलाइड हैं फिटिंग रिएक्शन, एक एल्काइल है एक एराइल है और फिटिंग रिएक्शन। बिल्कुल बार बार देखो, आपको कम से कम जितने स्कूल के बच्चे हैं मेरे, हालांकि 40-50 स्कूल के बच्चे हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको 10-15 बढ़िया बढ़िया पेपर भेज दूंगा, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या होता है, अभी ध्यान दो, दिस इज एक्रोलीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और ये सी एच ओ, एक्रोलीन। ठीक है, एक्रोलीन ये एक्रोलडिहाइड है, ठीक है, और आपका बन जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, क्या लिखोगे, प्रोप टू इन अल, प्रोप टू इन अल, ठीक है, प्रोप टू इन अल। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, इसके बाद अब आप आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, नेम एंड स्टेट द, देखो ये अच्छा क्वेश्चन भाई, ये इस साल यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा लॉ है भाई, दिस इज नोन एज के ओ एच एल आर ए यू एस कॉल राउस लॉ,
कोहलरावस्ला, बल्कि पूरा क्या प्रोनाउंस करोगे, कोहलरावस्ला ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कोहलरावस्ला ऑफ इंडिपेंडेंट। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया क्या, नेम दिया गया, स्टेटमेंट क्या है, एट इनफाइनाइट डायलूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इरिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ आयंस। हो गया ठीक है। देखो हमें बेटे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैम्डा इन फाइनाइट ऑफ, हमें क्या दिया गया है, NaCl कितना दिया गया है बताएंगे आपको, लैम्डा इन फाइनाइट हमें क्या दिया गया है, HCl भी दिया गया, वैल्यू दी गई है, और लैम्डा एम इन फाइनाइट ऑफ NaAc सोडियम एसीटेट कह सकते हो, ये हमें इन तीनों की वैल्यू गिवेन है, और हमें क्या पूछा गया है कि लैम्डा एम इन फाइनाइट ऑफ HAc, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl इज दिस, कितना भी कलर थोड़ा चेंज करो यार, जब कलर है तो 126.4, HCl का कितना आपके यहाँ पर 425.9, ये कितना है 91। तो हमें किसका निकालना है, देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HAc, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HAc, देखो ध्यान दो हमें H चाहिए, क्या चाहिए, H, क्लियर है, H कहाँ से मिलेगा भाई, देखो ध्यान से, H मिलेगा हमें, H मिल जाएगा यहाँ से, AC मिल जाएगा यहाँ से। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो NaCl एक्स्ट्रा आ रहा है, अलॉन्ग विद HCl क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, NaCl, तो हम उसको माइनस कर देंगे, सिंपल क्या बन जाएगा, ये क्या लिखोगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaAc माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये, अब इसको माइनस तो आप लोग कई लोगे, कितना हो जाएगा ये 425.9 + 91 - 1 26.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। देखिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, कितना होता है भाई, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर क्या लिखोगे, ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक एच टू होता है जीरो। हम यहीं से पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए हमारा क्या SRP ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, जीरो होता है। अब पूछा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर एच प्लस चेंजेस टू एच टू टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, EMF क्या होगा आपका, EMF इक्वल टू यहाँ लिखोगे ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, क्या लिखोगे बेटा, देखो सारे क्वेश्चन CRD के हैं, पेपर तो एवरेज है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, एस प्लस के स्क्वायर। ई नॉट सेल कितना बेटा यहाँ पर, जीरो माइनस 0.059/2 लॉग 1/, अब देखो H प्लस आप यहाँ से निकाल लोगे, हमें pH कितना दिया गया है, pH दिया गया 10, यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻¹⁰। दूसरी चीज़ देखो ध्यान दो, इसमें जो है ना आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में आपको बार बार लॉग यूज करना पड़ेगा। सरदर्दी ख़त्म करिए, एक वीडियो डाल रखा हूँ जिसमें विदाउट टेबल आपको लॉग एंटी लॉग आराम से देख सकते हो, उसको दो चार बार देख लेना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा आपका 10⁻¹⁰ का स्क्वायर, अब ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस 0.059/2 लॉग 10⁻²० ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लॉग 10⁻²० 20 log 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज माइनस 0.059/2 × 20, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 0.59 वोल्ट ही वैल्यू आ जाएगी सिंपली। इसका लोग देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का ही है ये, इंटरेस्ट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 °C, KF हमें दे रखे हैं एसिडिक एसिड का, इसका मतलब क्या भाई, चलो इसके लिए हमें बोर्ड यूज करना पड़ेगा, दूसरा
क्वेश्चन यहाँ पे 25 है, 25th क्वेश्चन देखिए भाई यहाँ पर जो है, हाँ, कैलकुलेट मास ऑफ स्कॉर्पियो की शीट। देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ से देखिए इनर बोर्ड यूज करिए, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट मास ऑफ स्कॉर्पियो एसिड, हमें मास निकालना है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। भाई देखो अब हमें मास निकालना है, यहाँ से डब्ल्यू बी क्या आ जाएगा, यहाँ से जो डब्ल्यू बी आएगा आपका, देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई के एफ इंटू 1000 के एफ इंटू 1000। ठीक है डेल्टा, ठीक है तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 1.5 इक्वल टू ये कितना भेज रखे हैं, 3.9 इंटू एम बी हमारा कितना आएगा स्कॉर्पियो एसिड का, 176 इंटू डब्ल्यू कितना दिया गया है, 75 बाई कितना 1000 इंटू डब्ल्यू भी हमें निकालना है। ठीक है डब्ल्यू भी हमें निकालना है, डब्ल्यू में क्या करना है तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर ये 3.9 इधर आ जाएगा, ये 1.5 और ये, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5.07 ग्राम, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी डब्ल्यू ए। जहाँ देखिए इस केस में डब्ल्यू बी निकालना है, ठीक है डब्ल्यू बी क्या करना है निकालना, तो डब्ल्यू बी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 3.9 ये यूज कर लोगे अब। ठीक है थे वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, इतने ग्राम हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है अब आइए भाई दूसरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है भी एनसीईआरटी का ही है। 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ध्यान दे मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है ये देखिए, हालांकि देखो आप स्टेट भी ड्रा कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत है, तो थोड़ा सा क्लियरेंस करने के लिए, ये क्या आपका लिक्विड है ये सॉलिड है, और इसके बाद हम इसका जो सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो देखो ये हो गया बिल्कुल क्या होगा, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऐड करेंगे सॉल्यूट विच इज नॉन वोलाटाइल, तो उस केस में इसका वेपर प्रेशर थोड़ा घट जाएगा। इधर हमने क्या प्लॉट किया है, यह प्लॉट किया वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पे आ गया, और ये हमारा किसका हो जाएगा सॉल्यूशन का हो जाएगा, देखो ये तो दिस इज डेल्टा टी एफ, ये ध्यान देना है। तो ये कह रहे कि 5% केन शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 271, तो हमें 5% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15। आइए इनर बोर्ड यूज करते हैं फिर दोबारा, इनर बोर्ड ठीक है ध्यान दीजिए। अब यहाँ से भी नेक्स्ट पे ले लो, फर्स्ट यहाँ देखो भाई 5%, देखो सबसे पहले में क्या दिया गया है, टी ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15, 5% 5 ग्राम केन शुगर डिजॉल्व करने पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 271। अब यहाँ लिखोगे डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा 273.15 - 271, दैट इज 2.1 पे डेल्टा टी एफ आ गया। ठीक है अब इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, 5% का मतलब क्या होगा अभी, 5% में देखिए 5% मीन्स डब्ल्यू बी कितना हो गया, डब्ल्यू बी हो गया 5, डब्ल्यू ए कितना हो गया, वो हो गया आपका 95, एम बी कितना है अभी, एम बी कैन शुगर का होता है 342, C12H22O11 कितना होता है 342, क्लियर है। और यहाँ से एम बी कितना होता है, वाटर है, हम उसके कैटरिंग कितना ले चलेंगे,
18 क्लियर है। देखो अब इसके बाद हमें यहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू, देखो सॉल्वेंट दोनों केस में सेम है तो के एफ जो होगा वो दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। अब हम यहाँ ग्लूकोज का केस लेके चल रहे हैं, ग्लूकोज वही कहानी 5% की है, ग्लूकोज का भी 5% का ही है। देखो यहाँ क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी कितना हो गया, डब्ल्यू बी 5, डब्ल्यू ए 95, यहाँ पर एम बी कितना ग्लूकोज का 180, वाटर का फिर क्या हो गया, एम बी कितना हो गया 18 आ गया ये। अब यहाँ से क्या लिखोगे, दिस डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, देखो क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। अब देखो बेटे ऐसा है, यहाँ पर सॉल्वेंट सेम है, हमें दो केस में क्या करना है, क्लियरेंस करना है, तो हम करेंगे क्या, उसके उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट बाई सेकेंड। अब फर्स्ट का डेल्टा टी एफ कितना हमारा, फर्स्ट के लिए डेल्टा टी एफ कितना है 2.15, क्या लिखोगे 2.15 बाई डेल्टा टी एफ सेकेंड केस में किसका होगा 2.15, सुक्रोज का ही किसका हो गया, ग्लूकोज का। जब डिवाइड करोगे इसको, देखो थोड़ा सा जब इसको आप करोगे डिवाइड, तो उस किस में क्या होगा भाई, यहाँ से देखिए के एफ कैप कैंसिल हो गया, डब्ल्यू बी भी दोनों केस में सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कैंसिल हो जाएगा, 1000 भी कैंसिल हो जाएगा उस केस में, डब्ल्यू ए भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या एम बी, एम बी डिवाइड होगा ये। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एम बी कितना है 2.15, 1 बाई एम बी का मतलब क्या 1/342, ये कितना 180 ये आ गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा बेटा 2.15 इंटू 342 बाई 2.15 इंटू 342 बाई 180। देखो अब ध्यान देना ये क्लियर है, अब एक बार फिर आप लोग समझ दोबारा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आई टी में, एक बार पूछा गया ये। देखिए 5% कैन शुगर का जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, 5% कैन शुगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के अंदर कितना 271 है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15, डेल्टा टी एफ कितना हो गया 2.15। तो इस डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लिखेंगे के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लियर है। हम यहाँ से देखो, अब ये फर्स्ट केस हो गया, इसके बेसिस पर हमें क्या करना, वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, हमें 5% ग्लूकोज का क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा, 5% ग्लूकोज का लिखा, दोनों को डिवाइड किया, अब डेल्टा टी एफ आ गया हमें। देखो ये वैल्यू देखिए, ये 180 है, दिस इज 180, 1.8 जो लग रहा है, ये 180। देखो अगर ये 360 होता तो 2 times होता, मतलब ये अराउंड 4 से थोड़ा सा क्या होगा उस केस में, हम इसको 4 मान के चल सकते हो क्या, 4.02 ले लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 4.02। ये डेल्टा टी एफ है, ये ध्यान देना, दिस इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, देखो दिस डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सोल्यूशन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, टी ऑफ सोल्यूशन मीन्स 5% ग्लूकोज का कितना हो जाएगा, टी ऑफ सॉल्वेंट कितना है 273.15 माइनस 4.0, कितना लिखा गया देख लो, कितना लिखा गया 4.02, अप्रॉक्सीमेटली 4.02, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हाइड्रोकार्बन इफ विद मोलर मास, हाइड्रोकार्बन ए विद मोलर मास 72, अगर हाइड्रोकार्बन है, कार्बन होगा और एच होगा, अब ध्यान दीजिए भाई, गिव सिंगल मोनोक्लोराइड्स, अगर इसमें देखो 72 ग्राम पर मोल है तो मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम 6 कार्बन ले लेंगे तो एच तो बचेगा ही नहीं,
तो 12 मैक्सिमम 5 कार्बन, मतलब हमें 5 कार्बन के करस्पॉन्डिंग, देखो इसका ए पार्ट का 5 कार्बन के करस्पॉन्डिंग हमें ये क्या बन गया आपका C5H12, ध्यान दो 5 कार्बन के करस्पॉन्डिंग हमें ऐसा हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है विच गिव सिंगल मोनोक्लोराइड्स। देखो बेटे ऐसा है कि आप पढ़ोगे कई बार कराया गया होगा, नियो पेंटेन है ये, नियो पेंटेन, देखो नियो पेंटेन है, विच गिव सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एंड टू डाई क्लोरो डेरिवेटिव एंड फोटो क्लोरिनेशन। अगर हम डालते हैं पर क्या Cl2 क्या ऐड करते हैं Cl2 किसके प्रेजेंस में सनलाइट, क्या बन जाएगा ये देखो मोनोक्लोरो CH3 CH2 CH3। तो मोनोक्लोरो का मतलब क्या हो गया भाई, इसका एक एच किससे रिप्लेस हो गया Cl से, ऑल कार्बन्स आर इक्विवेलेंट, तो किसी CH3 का एक एच रिप्लेस हो सकता है। और यही दे सकता आपका क्या डाइक्लोरो, डाइक्लोरो के दो कंपाउंड दे सकता है, दो कंपाउंड कौन कौन से बन सकते हैं, देखो स्टेप्स बन सकता है CH3 देखो CH और ये क्या बन गया आपका CH3, मीन्स इसके दो एच रिप्लेस हो सकते हैं किससे Cl, देखो बन गया। और एक ऐसा ये भी बन सकता है कि किसी दोनों पर एक एक करके लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे इस टाइप से CH2 Cl CH2 Cl CH3 और ये CH3। तो फर्स्ट पार्ट का बेटे आंसर आपका हो गया ये। देखो यहाँ पर नेक्स्ट आइए इसके बाद, हाउ विल यू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनोइक एसिड। बेटे फिनॉल है देखो ये और इथेनोइक एसिड है, फिनॉल क्या होता है भाई, फिनॉल जो होता है, फिनॉल का सबसे सदाबहार टेस्ट है FeCl3 टेस्ट। आप यहाँ क्या ऐड करोगे FeCl3, वायलेट कलर कंपाउंड बनेगा, कैसा बनेगा वायलेट कलर कंपाउंड, वायलेट कलरेशन होगा ठीक है, विच कन्फर्म फिनॉल। और इथेनोइक एसिड में भी कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफर्वेसेंस के साथ CO2 देगा। देखो दूसरा है, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। देखो आइए इनर बोर्ड पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया इनर बोर्ड, हाँ ये बेटे फिनॉक्साइड आयन है, कह रहे हैं फिनॉक्साइड आयन जो है ना इसके स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं देन कार्बोक्सिलेट आयन RC, देखो इस टाइप से। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा इट इज गोइंग टू डिस्पर्स ऑन वन, इट इज गोइंग टू डीलोकलाइज ऑन वन ऑक्सीजन एंड रिंग, यहाँ पर दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू डीलोकलाइज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। देखो एक बार ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, तो इसका मतलब कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। देखो नेक्स्ट इसके बाद, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बेंजा, अच्छा क्वेश्चन है ये, बेंजाइल फिनाइल ईथर। पहली बात तो उसके कुछ आप लोग वो देखो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स के कैसे ड्रा करोगे, बेंजाइल फिनाइल ईथर, देखो ये क्या आपका दिस इज बेंजाइल, बेंजाइल हो गया भाई, ईथर है और ये फिनाइल है। आपको बताया गया है कहीं भी जहाँ फिनॉल बनने का चांस हो उसको कराइए डिसोसिएट और बना दो फिनॉल। देखो यहाँ से क्या बेंजाइल फिनाइल ईथर विद HI, ये बन गया एच और क्या बन गया आई, क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड और ये क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये फिनॉल, बेंजाइल आयोडाइड फिनॉल ये बन जाएगा रिएक्शन विद HI के साथ ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब बेटे आओ, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फर्स्ट देखो भाई क्या है, फर्स्ट है प्रोपेनोन, ध्यान देना CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या है से प्रोपीन बनाना है, हमें क्या बनाना है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका हम कराएंगे क्या रिडक्शन, पहले कराओगे ठीक है, यहाँ लिख दो आप NaBH4, तो कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, क्या बन जाएगा देखो ये CH3 CH2, क्या बन गया ये, और हमें बनाना प्रोपीन, हम क्या यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बन जाएगा प्रोपेनोन टू प्रोपेन।
इथेनॉल टू थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इथेनॉल टू थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इनर बोर्ड, इथेनॉल टू थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इथेनॉल क्या भाई, ध्यान दो यहाँ पर, इथेनॉल इज, ये इथेनॉल है, इथेनॉल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, हमें क्या बनाना है, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू, देखो ये बनाना है भाई, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको एल्कोहल में या एल्डिहाइड में डबल करना हो, ज़्यादा करना हो, एक बार जरूर एल्डॉल कंडेंसेशन के बारे में सोचना, ठीक है। तो आइए देखो यहाँ पर क्या है, हम डाल देंगे यहाँ पी सी सी, पी सी सी इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इंटू एल्डिहाइड। यहाँ क्या बन जाएगा भाई, सी एच थ्री, और डाइट क्या ऐड करोगे यहाँ पर, यहाँ ऐड करोगे डायलूट एल्कली, हीट मत करना, हीट करोगे तो बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, इथेनॉल टू टू थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडोफिनोन, देखो बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडो, देखो ये बेंजीन है, हमें क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो एसिडोफिनोन, देखो दिस इज मेटा नाइट्रो एसिडोफिनोन, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ये क्या बन गया, मेटा नाइट्रो एसिडोफिनोन। हम कराएंगे पहले क्या, नाइट्रेशन, हालांकि देखो हम इसमें कौन सा पहले कराएंगे, ये सी बी सी का पार्ट है ही नहीं, आप सिंपल करके दोनों मेटा डायरेक्टिंग है करवा दिए सिंपल। यहाँ क्या आज करोगे, कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री, और यहाँ पर कॉन्ग एच टू एस ओ फोर, क्या बन गया ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। यहाँ क्या यूज करोगे, फिर यूज करोगे एसाइलेशन करा दोगे इसका, सी एच थ्री सी ओ सी एल और ए एल सी एल थ्री, तो बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन गया ये। आइए नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद ये बन गया हमारा 29 क्वेश्चन, देखो बेटे 29 क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, पी के बी या फेनिलीन इज मोर देन मिथाइलेमाइन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये समझ लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा आने का चांस है ये, पी के बी या फेनिलीन इज मोर देन मिथाइलेमाइन। देखो फर्स्ट पार्ट है, मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, एनिलीन क्या भाई, देखो एनिलीन है ये, मिथाइलेमाइन क्या बेटा, दिस इज मिथाइलेमाइन, मिथाइलेमाइन ये है। अब ध्यान देना, पी के बी जो होता है ना, पी के बी, पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, मीन्स के बी जितना ज़्यादा होगा पी के बी उतना कम होगा। के बी ज़्यादा कब होगा भाई, जब बेसिसिटी ज़्यादा होगी तब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एलिनिन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटे आपका प्लस आर है, यहाँ क्या है प्लस आई है, क्लियर है, ध्यान दीजिए लैंग्वेज क्या लिखना आपको, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एनिलीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, मीन्स एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइलेमिन, और हम ये लिखेंगे क्या, पी के बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, दैट्स वाई एनिलीन का पी के बी जो होगा वो मिथाइलेमिन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको लैंग्वेज याद करना है क्या, और ये भी कह सकते हो इनके साथ मिथाइलेमाइन, इनके साथ मिथाइलेमाइन, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, कैवियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्रोड्यूसेस प्राइमरी एमाइंस, रीजन क्या है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस आर फॉर्म विद कंटामिनेशन, इम्प्योरिटी होती है, बाद में हमें एक और स्टेप बढ़ जाता है, सेपरेट करना पड़ता है। देखो नेक्स्ट की बात, अब देखिए भाई मैं बताऊँ आपको, ये आपके सेक्शन डी में या बी में कहीं भी एक हिस्ट्री रहेगी, आपके पास टाइम है तो पढ़िए, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑलमोस्ट नॉर्मली जो है आपसे जो जानते हो उसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी देखिए क्या भाई, यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू मेटालिक वायर ऑफ 2 आवर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फ्लो थ्रू द वायर। देखिए
आइए इनर बोर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कितने मिनट के लिए जाग पाते हैं, 0.5 एम्पियर की करंट 2 घंटे के लिए पास करते हैं, 0.5 एम्पियर की करंट कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। देखिए आई कितना भाई, 0.5 एम्पियर की करंट, टाइम कितना हो गया, 2 आवर, इतना मिनट, इतना सेकेंड, 6 या 7200। और इसके बाद क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 7200 इंटू 0.5 कितना हो गया ये, 3600 कुलम्बस। 0.5 एम्पियर की करंट 2 आवर पास करने पर इतना चार्ज डेवलप होगा, इतना चार्ज डेवलप होगा, हमें बताना है कि इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बस ये बताना है। हमें पता है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अभी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या भी कह सकते हो उसका रिवर्स भी कि इतने कूलम इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन, हेंस 1 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 कूलम इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, हेंस कितने कूलम इक्वल टू 3600 × 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अब वो सॉल्व करना आप लोग, क्वेश्चन फिर समझ लो कि 0.5 एम्पेयर की करंट किसी वायर से 2 घंटे तक पास की जाती है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इसका आंसर आपका ये था। आइए अब नेक्स्ट, यहाँ भाई ये पार्ट एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको आप लोग कर लेना, देख लेना है, उसी क्या नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। बाकी इधर देखिए, अभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन C4H8, अच्छा क्वेश्चन है ये, C4H8, मैं यहाँ से गेस करके बता रहा हूँ आपको, C4H8 ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स कंपाउंड B। देखो कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8 रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ये HCl के साथ, कंपाउंड क्या बन रहा है, B बन रहा है, और B रिएक्ट विद, इसको 1 मोल ऑफ NH3 का रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NH3, कंपाउंड C बन रहा है। ऑन ट्रीटिंग विद NaNO2-HCl, NaNO2- इस C को हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, NaNO2-HCl, कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पर, कंपाउंड D बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस केस में, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस केस में कंपाउंड डी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और फिर बाद में क्या करें कि ए का अगर हम करा रहे हैं ओजोनोलिसिस तो इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। देखो हिंट हमें असली यहीं से मिल गया भाई, हमें एक्चुअल में हिंट यहीं से मिल गया कि ए गिव्स 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या, ए हमारा क्या है, ए इज ब्यूटूइन, ये क्या है, देखो ये क्या बन गया हमारा, दे ध्यान दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्यों कंपाउंड ए हो गया, एक हम क्या करा रहे हैं ओजोनोलिसिस, किसके प्रेजेंस में, Zn-H2O, क्या मिल रहा हमें, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3। हम ये गैस कैसे के 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा उस केस में, ब्यूटूइन। अब देखो स्पेसिंग किससे कराया गया है, HCl के साथ, क्या बन गया बेटा, CH3CH Cl CH2, और क्या बन गया ये, रिएक्शन किसके साथ करवाया गया, 1 मोल्स ऑफ NH3 के साथ, क्या बन जाएगा ये CH3CH, और ये क्या बन गया ये NH2 CH2, और CH3 रिएक्शन किसके साथ करवाया गया यहाँ पर, अब रिएक्शन कराया गया, ध्यान दो, NaNO2 HCl, क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए CH3CH, ये क्या बन गया OH, और ये क्या है CH2, और ये देखो अभी हमारा जो है एसिमेट्रिक कार्बन है, ये क्या एसिमेट्रिक कार्बन, देखिए यहाँ पर कैसे एक CH3 है, एक H है, एक OH है, ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, इसका लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद हम आते हैं 34 पर। अब देखो बेटे ये क्वेश्चन जो है ना थोड़े से
कैलकुलेटिव तो है नो डाउट, जो है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ पर, बाकी इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ जो सॉल्व करने वाले हैं। फॉर टू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एजोट्रोप, एक लाइन में, एजोट्रोप्स आर कॉन्स्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर, एजोट्रोप्स आर कॉन्स्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर, दैट इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? अब देखो क्या पूछा गया, वट टाइप ऑफ एजोट्रोप्स डेविएट पॉजिटिवली फ्रॉम राउल्स लॉ, निगेटिव मिनिमम बॉयलिंग एजोट्रोप्स, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मिनिमम बॉयलिंग, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम बॉयलिंग एजोट्रोप्स। क्लियर है? ठीक है, देखो उसके बाद, अब ये क्वेश्चन देखो बेटे, अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बोर्ड तो यूज़ करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पूछा क्या गया है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, कलर दूसरा ले लेना, जो आपको समझा दे, इसमें देखिए 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या सॉल्वेंट है, बेंजोइक एसिड सॉल्यूट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1.62 केल्विन, केएफ की वैल्यू हमें दिया गया है 4.9 केल्विन केजी पर मोल, 40% हमें क्या निकालना, अल्फा निकालना, क्या निकालना है, अल्फा। आइए फिर शुरू करते हैं, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, देखिए 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डब्ल्यू कितना भाई, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, क्वेश्चन नंबर, हाँ टू ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डब्ल्यू ए कितना है, 25, डब्ल्यू इज 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ में दिया गया, कितना दिया गया है 1. डेल्टा टी एफ इज 1.62। भाई साउथ अफ्रीका ये बहुत बढ़िया खेल रहा है, वो मैच भी था, देख रहा हूँ यहाँ पे, वो अच्छा देख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। मिलर ने मारा कितना, 28 बॉल फॉर 59 रन्स, वेरी गुड। हाँ देखो, तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.62, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, हमें केएफ दिया गया है, केएफ कितना भी, केएफ इज 4.9, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना, क्या निकालना है, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा। देखो भाई, सबसे पहले हमें यहाँ निकालने के आई क्या होता है भाई, आई होता है मोलर मास के टर्म में, नॉर्मल मोलर मास भाई, ऑब्जर्व मोलर मास। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, एम बी देखो कैसे निकालोगे, एम बी क्या हो जाएगा, के एफ कितना हमारा 4.9, डब्ल्यू बी कितना है 2 इंटू 1000 बाई एम बी कितना है, यहाँ पर एम बी जो होता है ये किसका है, बेंजोइक एसिड का, कितना हो जाएगा भाई 1284 96 और 32 122 एम बी इंटू डब्ल्यू कितना हमारा 25। देखो यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली निकालिए कि वैल्यू कितनी आएगी, देखो 25 ये 40 आ गया, ये कितना आ गया 61 अराउंड, देखो इसमें कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा अराउंड, देखो 200 है ना, एम बी कितना आ जाएगा, यहाँ पर एम बी जो हमारा है, यहाँ से एम बी निकालोगे आप, एक बार फिर से जाकर कैलकुलेशन कर लो इसको, एम बी निकालिए, ऑब्जर्व मोलर मास भाई, नॉर्मल मोलर मास भाई, ऑब्जर्व मोलर मास, तो यहाँ से एम बी क्या हो जाएगा, एक बार फिर देखो, एम बी विल बी के एफ कितना है 4.9 इंटू डब्ल्यू बी 2 है, हाँ डब्ल्यू बी कितना हमारा 2 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ कितना हमारा, डेल्टा टी एफ है
1.6 इंटू डब्ल्यू कितना है 25, ठीक है। तो 25 देखो ये 40 आ गया, इसका मतलब क्या 49 इंटू 2 इंटू 4 बाई 1.6, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अराउंड देख लीजिए, यहाँ पर 4 जा 0.4, ये कितना आ जाएगा 49 इंटू 5, तो 245 आ गया। दिस इज ऑब्जर्व मोलर मास। और नॉर्मल मोलर मास कितना होता है? नॉर्मल मोलर मास जो होता है, देखो हम यहाँ कैलकुलेट कर दे रहे हैं, नॉर्मल मोलर मास होता है जो किसी के 122 होता है नॉर्मल मोलर मास। तो आई कितना हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास 122 बाई 245। अब देखो अगर ये 44 होता तब तो कितना अराउंड 0.5 आता, ये 44 से ज़्यादा है तो 0.5 से वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी, हम क्या 0.49 ले लें, सिंपल 0.49 आ गया ये, ठीक है। आई इक्वल कितना आ गया हमारा 0.49। अब ये बेंजोइक एसिड जो है, देखो ये तो आई की वैल्यू आ गई, बेंजोइक एसिड कैसे डायमराइज होगा अभी देखो इसमें देखिए, आइए धरा जाओ बेंजोइक एसिड क्या है, 2 मोल्स ऑफ C6H5COOH ऑन डायमराइजेशन गिव्स C6H5COOH का होल ट्वाइस। अल्फा कितना होगा? अल्फा इक्वल टू देखो फॉर्मूला क्या होता है, I-1/1/N-1, ठीक है। अब हमें अल्फा ही निकालना है, आई कितना है 0.49-1/1/2-1, वैल्यू कितने जाएगी यहाँ पर 0.51/0.5 अराउंड, ये वैल्यू आपकी 99.3% के करीब आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, ठीक है, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट इसकी बात, अब यहाँ से हालांकि भी कर सकते हो, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 245 से थोड़ी सी ज़्यादा आती है, तो हमें 245 से थोड़ी सी 243 करीब आती है, कि 0.51 करीब आ जाएगा 0.51, और यहाँ जब लिखोगे 0.51 तो कितना आ जाएगा ये 0.49 तेरा वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये मीन्स इतना परसेंट वो डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, सिंपल द फिनामिना इन विच ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाई अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज इन डी सेलिनेशन ऑफ सी वाटर। आपसे पूछा गया है नेम द सेमी सिंथेटिक सब्सटेंस परमेबल टू वाटर बस इनपरमेबल, देखो इसका आंसर आएगा ये आप सेलुलोज नाइट्रेट ले सकते हो, सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए एक और न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल क्या है देखो ध्यान दो, पहले रीड कर लें फिर आप दूसरे बोर्ड पर चल के सॉल्व करते हैं इसको, रीड करिए। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या निकालना है भाई, पाई निकालना है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्साइटेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या, वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। आ जाइए भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई, पाई इक्वल टू CRT, हालांकि आई CRT से आई का यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं है, आई पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। तो C क्या लिखोगे यहाँ पर, NB बाई वॉल्यूम इन लीटर RT, NB क्या लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर इंटू RT। अब देखो पाई निकालना है, मास कितना दिया गया इसके अंदर, कौन सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्साइटेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, मास है 1, मोलर मास कितना है 185000, वॉल्यूम कितना 450 ml है, 450 इंटू क्या कर दोगे यहां पर, इंटू 1000, 450 ml इंटू आर
और टी कितना लिखोगे यहाँ पर, टी आप लेके चलोगे 273 प्लस 37, कितना आ गया ये 310, और आर क्यू क्या होगी 8.314 इंटू 10 पावर 3, कितना आएगा 10 पावर 3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 30.96 पास्कल, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इसका देखो भाई, अगला क्वेश्चन 35 भाई देखो, गिव रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, फिनॉल रिएक्ट्स विद Br2, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, फिनॉल रिएक्ट्स विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, क्या बनेगा बच्चा लोग, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर बनेगा, जिसमें पैराब्रोमोफिनॉल क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या भी इथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5, इथेनॉल क्या है CH3 CH2OH, किससे संकराओगे यहाँ पर PCl5 के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, राइट स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, इनर बोर्ड पर आइए भाई, इथीन फ्रॉम इथेनॉल, इथीन पहला क्या भाई, हम क्या लिखेंगे, इथीन फ्रॉम इथेनॉल, इथीन फ्रॉम इथेनॉल। तो फर्स्ट स्टेप क्या भाई, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रोटोनेशन, फर्स्ट इज इथेनॉल से बनाना है इथीन। देखो इथेनॉल क्या भाई, CH3 CH2OH, यहाँ देखो लोन पे रही, इन के साफ प्रोटोनेशन क्या लिखोगे आप, H+ क्या बन जाएगा, देखो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या बनेगा प्रोटोनेटेड CH3 CH2OH, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर बनेगा भाई सेकंड क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन, देखो इस टाइप से यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन कार्बो कैटायन में जो हमारा बना है प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2OH। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा इसका, ये ब्रेक हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 प्लस H2O। अब इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, डी प्रोटोनेशन, दिस इज बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में पूछ सकते हैं, NCERT का क्वेश्चन है। देखो दूसरा पेज लेके चलना पड़ेगा हमें, इस टाइप से आइए, बल्कि कैसे कर लें यहाँ पर, डी प्रोटोनेशन जो होता है वो भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये हमारा प्लस चार्ज है, थर्ड स्टेप हमारा क्या, डी प्रोटोनेशन, क्या करेंगे यहाँ पर, ये प्रोटॉन हमारा क्या ब्रेक हो जाएगा, बनेगा क्या पर HCH डबल बॉन्ड, ये बनेगा सिंपल ये। ठीक है, तो बन गया इथीन फ्रॉम इथेनॉल। नेक्स्ट आइए इसके बाद 34 क्वेश्चन देखो बेटे, अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अमल का फॉर्मूला C8H8O क्या हो सकता है भाई, जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगा, जहाँ भी C और H का रेशियो अराउंड 1:1 हो देयर शुड बी बेंजीन रिंग। तो 6 कार्बन तो हमारे वहाँ इंगेज हो गए, बाकी रही बात आपके 2 कार्बन, तो 2 कार्बन देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा, ये 2,4-DNP दे रहा है, तो 2,4-DNP देने का मतलब क्या, या तो एल्डिहाइड होगा तो कीटोन होगा, फिर क्या करें, येलो PPT, वेरी इंपॉर्टेंट हिंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, येलो PPT विथ आयोडीन मीन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है भाई, मिथाइलेटेड कीटोन, इसका मतलब क्या कि बेंजीन तो हमारा है ही, देखो इसके साथ एक ये स्ट्रक्चर देखो ये, तभी तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ लिखा गया
इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस नॉर फेलिंग नॉर डिकलराइज ब्रोमिन वाटर, मीन्स इसके अंदर एलिफैटिक डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरी चीज एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस फेलिंग को ऑक्सीडाइज इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस नॉट फेलिंग, ठीक है, उसको रिड्यूस भी नहीं कर रहा है। तब देखो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखनी है हमें, मीन्स क्या कह रहे हैं, आइए इनर बोट यहाँ पर आ जाओ भाई, कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O, जो टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, फेलिंग को नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या भाई, वो एल्डिहाइड तो है ही नहीं, दूसरी चीज़ 2,4-DNP दे रहा है तो कीटोन होगा। तो अब देखो 2,4-DNP दे रहा है, अब इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हमें, 2,4-DNP दे रहा है ये, 2,4-DNP क्या होता है, देखो H2N यहाँ क्या NH, H2N NH, और यहाँ क्या बन गया ये NO2, और ये देखो यहाँ का H2 और H2 निकल जाएगा, तो दिस इज 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ एसिटोफिनोन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा N और ये NH, दिस इज 2,4-DNP डेरिवेटिव एसिटोफिनोन, बाकी आडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है ये I2+NaOH, यहाँ क्या बन जाएगा ये CHI3+ बाकी तो आपका NaI और H2 बाय प्रोडक्ट होता है, उसको लिखो चाहे मत लिखो। और इसके बाद देखिए ये टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, ये था हमारा इसका आंसर। अब आइए देखिए नेक्स्ट, इसके बाद ये आप लोग करोगे, आपको वीडियो में दिखाया मैं डाल रखा हूँ, एल्डिहाइड का एक क्वेश्चन है ये, एल्डिहाइड कीटोन का मेरे ख्याल से 7वां 8वां है, वो वीडियो में देखोगे। इसके अंदर हमने 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में डाल रखा हूँ, प्रोपेनोन और इथेनॉल का, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बेटे ये चैप्टर हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, सॉरी ये चैप्टर कह रहा हूँ, ये टेस्ट हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। और क्या कहते हैं इसके बाद, आप लोग लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस टाइप के कम से कम 25-30 सेट डाले जाएंगे, और जिससे आपका पूरा का पूरा 100% मार्क्स आने के चांस हैं। चलिए ऑल द बेस्ट।